दोस्तों, ईद का जैसे ही मौका आया है उसके बाद सबसे ज्यादा धुंधुकी अगर किसी की बढ़ी हुई है तो वो इसराइल की है। और अकेले इसराइल की नहीं बल्कि अमेरिका भी परेशान हो चला है, क्योंकि अमेरिका को पूरी उम्मीद थी कि जैसे जैसे वक्त बीतेगा ईरान का गुस्सा शांत हो जाएगा और ईद के मौसम में, ईद के त्योहार पर वो हर तरह का गुस्सा, हर तरह की नाराजगी, हर तरह की दुश्मनी को भूल जाएगा। लेकिन उधर ईरान ने एक बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि कैसे ईरान ने अपनी तमाम बैलिस्टिक मिसाइल्स का अब फिर से टेस्ट शुरू कर दिया है, क्योंकि जैसे ही ईद का ये त्यौहार, पूरा त्यौहार का समापन होगा उसके फौरन बाद ही एक बड़ा हमला इसराइल में किया जाना है। इसके लिए बकायदा जो एयर ट्रैफिक है उसे हॉल्टेड कर दिया गया है, यानी रोक दिया गया है, मिसाइलों का लगातार परीक्षण किया जा रहा है, ये तमाम चीजें की जा रही है। लेकिन अब इसराइल गिड़गिड़ाने लगा है अमेरिका के सामने, और अमेरिका के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि अगर वो इसराइल की उस गिड़गिड़ाहट, उस गुहार का कुछ पालन नहीं करवा पाया तो उसका करोड़ों रुपया डूब जाएगा जो बम, गोला, बारूद, मिसाइल के तौर पर इसराइल को अमेरिका को देना है। यानी कुल मिलाकर दो देशों को ईरान ने फंसा कर रख दिया है। आज यही खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं तक अंडा। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूंगा लेकिन उससे पहले मैं आपको ईद की बहुत 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 ज्यादा मुबारकबाद दूंगा। ये मौका ऐसे वक्त पर आया, जरूर फिलिस्तीन के अंदर हालात बहुत ज्यादा खराब हुए, गजा के अंदर खराब हुए, लेकिन ये निर्णायक दौर की लड़ाई है। और मैं फिर से आप सबके साथ साथ खास तौर पर गजा में रहने वाले फिलिस्तीनी बच्चे, महिला, पुरुष, बूढ़े, बुजुर्ग सबकी दिल खोलकर तारीफ करूंगा। उन्हीं के हौसले की वजह से अब हालात ये पैदा हो गए कि इसराइल खत्म होने की कगार पर आ गया है। और अब मैं आपको जो खबर दिखाने जा रहा हूं वो सबसे बेशकीमती खबरों में से एक है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे इसराइल की धुकधुकी बढ़ रही है। अब एक प्रपोजल जो ईरान को भेजा जा रहा था वो भेज दिया गया अमेरिका को। अमेरिका को भेजा गया कि भाई कैसे भी करके इन देशों से अपील की जाए, जहां जहां आपके अमेरिकी बेस कैंप हैं उनसे अपील की जाए कि वो ईरान को समझाए, क्योंकि वो मुस्लिम परस्त देश है। लेकिन ये वो मुस्लिम परस्त देश है दोस्तों, जब फिलिस्तीन पर, गजा पर हमला इसराइल कर रहा था उस वक्त ये रियाद सीजन मना रहे थे, पश्चिमी देशों के अभिनेता अभिनेत्रियों के गाने पर डांस कर रहे थे, ये तमाम चीजें हो रही थी। इसलिए ईरान इनकी सुनने वाला नहीं है, उल्टा ईरान ने दूसरा दांव चल दिया। ये तमाम खबरें विस्तार के साथ दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले पढ़िए क्या लिखा है ईरान ऑब्जर्वर ने। ब्रेकिंग, यूएसए टोल्ड सऊदी अरबिया, कतर, यूएई एंड इराक टू अर्ज तेहरान टू डिस्कलरेट टेंशन विद इसराइल, इसराइल रिक्वेस्टेड यूएसए टू मेक दीज कॉल। बताया गया कि अमेरिका की तरफ से सऊदी अरब, कतर, यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात और इराक से पर जोर दिया गया है कि वो ईरान को समझाएं, बुझाएं, शांत कराएं कि जो टेंशन इसराइल और ईरान के बीच चल रही है उसे कम किया जा सके। और ये सब तब किया गया है जब इसराइल ने अमेरिका से हाथ जोड़कर, गिड़गिड़ाकर रिक्वेस्ट की है कि आप ईरान से बात कीजिए, उसे शांत कीजिए कैसे भी करके। लेकिन अमेरिका किस मुंह से शांत कराएगा, वो तो प्रतिबंध लगाने के लिए जाना जाता ना, ईरान पर कितने प्रतिबंध लगाए थे। अब अमेरिका की धुकधुकी इसलिए बढ़ी हुई है कि अकेला इसराइल टारगेट पर नहीं रहेगा। अगर जिन लोगों को ये लग रहा है ना कि केवल ये लड़ाई ईरान और इसराइल के बीच की नहीं, अब ये लड़ाई बहुत आगे बढ़ने वाली है दोस्तों। इसराइल तो शुरुआत होगी, उसके बाद अमेरिकी बेस कैंप भी उखड़ने शुरू होंगे। वो कैसे, अब मैं बताता हूं। जैसे ही अमेरिका ने बात की सऊदी अरब से, कतर से, यूएई से, इराक से कि भाई बात करिएगा ईरान से, उनसे कहिए कि भाई अब कम किया जाए टेंशन, 7-8 दिन बीत गए, नाराज ना हो। जानते हैं जवाब क्या मिला? जवाब यह मिला कि आपने बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। इसलिए हुजूर देर कर दी आते आते क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ईरान के विदेश मंत्री ने हमसे बात कर ली और हम नहीं बीच में पड़ने वाले। पढ़ लीजिए क्या लिखा है ईरान ऑब्जर्वर। ब्रेकिंग, इन एन अनयूजुअल मूव जस्ट नाउ ईरान्स फॉरेन मिनिस्टर हैड टॉक्स विद द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इराक, सऊदी अरब, कतर एंड द यूनाइटेड अरब इमीरात एट द टाइम व्हेन द प्रोस्पेक्ट ऑफ रीजनल वॉर इज ग्रोइंग। इट इज लाइकली दैट दे डिस्कस्ड द प्रेजेंस ऑफ यूएस बेसिस इन सम ऑफ दीज कंट्रीज एंड दैट इट कुड बिकम ए पोटेंशियल टारगेट। इसे हिंदी में कन्वर्ट करके आसान भाषा में आपको बता देता हूं कि एक असामान्य कदम में हमें अभी ईरान के विदेश मंत्री ने इराक, सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात के विदेश मंत्रियों के साथ ऐसे समय बातचीत की जब क्षेत्रीय युद्ध की संभावना बढ़ रही है। संभावना है कि उन्होंने इनमें से कुछ देशों में अमेरिकी ठिकानों की मौजूदगी पर चर्चा की और ये एक संभावित लक्ष्य बन सकता है। मैंने कहा था ना केवल इसराइल अकेला नहीं है। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं
कि ईरान के दूतावास पर इजराइल ने हमला कर दिया सीरिया की राजधानी दमिश्क में, और ईरान के टारगेट पर सिर्फ इजराइल के ठिकाने होंगे। उसके दूतावास अलग अलग देशों में हो सकते हैं, उसके अलग अलग प्रतिष्ठान हो सकते हैं, इजराइल का खुद का इलाका हो सकता है। नहीं, आप गलत है। इजराइल तो फौरी चीज है, वो जब चाहे तब मिनटों में खत्म कर दे। 400 सेकंड मांगे थे बस। जी हां, ईरान के मंत्री ने ऐलान किया कि 400 सेकंड चाहिए बस मुझे, उसके बाद बर्बाद कर दूंगा सब कुछ। मैं सब कुछ बर्बाद कर सकता है ईरान इजराइल के अंदर। और देखिए इसके आगे का युद्ध क्या होगा। इसके आगे का युद्ध होगा कि मिडिल ईस्ट से जो ये पश्चिमी देशों की जो ताकतें अपने सैनिक, अपने उपकरण, अपने बम, गोला बारूद, मिसाइल लेकर बैठी हुई है, चाहे वो इराक हो, सीरिया हो, कतर हो, बहरीन हो, सऊदी अरब हो, ये सब अजीज आ चुके, पागल हो चुके हैं, मतलब ये तंग आ चुके हैं पूरी तरीके से कि कौन लोग हैं हमारे देश में। हमारे देश की सेना की चलेगी, हमारे देश की सरकार की चलेगी, अमेरिकी बेस कैंप कर क्या रहा है। ऐसा नहीं है अगर आप ये सोचते हैं कि वहां के राष्ट्रीय अध्यक्षों की अलग मजबूरियां हैं, लेकिन वहां की जनता जो मुझे वीडियो देख रहे जानते होंगे आप, कोई पसंद नहीं करता कि उनके देश में दूतावास हो। वो समझौते के लिए अच्छा होता है कि अपनी शिकायत, अपनी शिकवा, शिकायत कहने के लिए एक माध्यम होना चाहिए। आप डायरेक्ट फोन थोड़ी ना करेंगे कि सऊदी अरब अमेरिका से, अमेरिका सऊदी अरब से, इसराइल सऊदी अरब, ऐसे नहीं होता ना, दूतावास हो। लेकिन उनकी सेना क्या कर रही है इसको लेकर वहां की जनता परेशान है। आप खुद जानते होंगे, आप खुद कहते होंगे हाँ परेशान है मैं लोगों को लेकर, ये हमारे देश में कर क्या रहे। यही है, इसलिए अमेरिकी ठिकानों को लेकर भी चर्चा हुई और इसी ने टेंशन बढ़ा दी अमेरिका की। अमेरिका तो लगाने पहुंचा था गुआर इसराइल के लिए इन देशों के पास कि भाई आप मुस्लिम परस्त देशों से पूरी उम्मीद थी कि इन देशों में मेरी बेस कैंप है तो ये हमारी बात मानेंगे जो इतने सालों से मानते आए, इतने बरस से बात अमेरिका की बात मानते आए, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, ये तमाम तो अब भी मान लेंगे, यूएई बात मान लेगा, इराक बात मान लेगा। लेकिन हो गया उल्टा। जहां जहां चारों देशों में फोन किया गया, चारों देशों की तरफ से कहा गया कि वो तो छोड़िए, ये बात आपको बतानी है कि आपने एक तो देर कर दी, क्योंकि पहले ही ईरान के विदेश मंत्री से हमारे विदेश मंत्रियों की बात हो गई। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, एक और बात है कि आपके जो अमेरिकी ठिकाने बने हुए ना हमारे देशों में, उसको लेकर भी चर्चा हो गई है। यानी इंटरसेप्ट किया जा रहा है, एक एक लोकेशन तैयार की जा रही है, और इसने अमेरिका की धुकधुकी बढ़ा दी है। क्योंकि पहले अमेरिका ने थोड़े दिन पहले वादा किया था कि वो किसी भी तरीके से इसराइल और ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसके बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह भी हाल ही में हमने खबर भी दिखाई थी हमने कि पूरी तरह से वादा किया, बस उसके एवज में अमेरिका को राहत देगा ईरान और उसके किसी भी ऑफिशियल पर, मतलब आधिकारिक लोगों पर हमले नहीं करेगा। ये ईरान ने कहा ठीक है। लेकिन अब फिर से जो बीच में घुसने लगा, फिर बीच में घुस घुस के चौंच घुसा रहा है अमेरिका, लगा अलग अलग देशों से, ईरान से डायरेक्ट बात नहीं कर रहा लेकिन अलग अलग देशों से अपील कर रहा है, और ये खबर सारी ईरान तक पहुंच रही है। तो उसने कहा आप अगर ये कोशिश कर ही रहे हो तो वो समझौता तोड़ देते हैं, जो भी हाल ही में हमारे और हम दो आप दोनों के बीच में हुआ था मौखिक तौर पर। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया था हम आपके ट्रुप पर हमला नहीं करेंगे, आप ईरान और इसराइल के बीच के संघर्ष में नहीं आएंगे, लेकिन आप बीच में घुस रहे हैं तो आप तैयार रहिएगा। नमस्कार।